संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवों का देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए। महादेव स्वीकार कीजिए। साथ साथ मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम के स्वीकार। जितना ही उपस्थित गुरु भाई हो, गुरु बहन को पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी धरती पर चर्चा धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए। महादेव स्वीकार कीजिए। साहब वरिंदर भैया लीलम दीदी के माध्यम से मातम तीन सुख मिला है कि पहला सुख में दया मांगना है। जय हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। महादेव दया कर दीजिए। आप न दया की करने वाला कौन है, आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे से बताना है जो हमने शिव को गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दी हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में मन ही मन 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चर्चा की ओर चलते हैं दीदी, चर्चा सुनिए। एक छोटी सी एक तो बूढ़ी रहतीन, तो छोट बूढ़ी रहतीन तो बहुत वृद्धा रहती, बहुत वृद्धा यानी 120 बरस की उनका उम्र हो गई। 120 बरस की उम्र भेल ना, तो हुनका चर्चा करते करते उम्र बीत गए हैं, लेकिन महादेव हुनका लंबा उम्र दिल ही रहतीन, अभी भी लंबा उम्र कलखिन। जे हिनका हमरा दया में बूढ़ी बहुत प्रसन्न रहै छथिन, एकदम लिंके रहै छथिन, हर सेवा हमरे नाम लै छथिन। तो कलखिन अड़ोस पड़ोस के लोग जे हाँ हिनकर उम्र बीत गेलन, लेकिन सुनै छथिन जे बड़ा दयालु हथिन, लेकिन हमरा सबके कहाँ दया करै छथिन आ कहाँ धन दौलत दै छथिन। इतना ना कर्जा गुआम भेल है, इतना ना दुख से हम सब झेल छियै, जे महादेव में कहाँ दया है जे हमरा दया दै छथिन। तो गुरु बहिना कलखिन 180 बरस के रहथिन ना, तो कलखिन जे सुनू हम कहै छी से करम आ सुनम तब ना, सुनू बैठू। तो हुनका के हाथ में फूल धा देलन आ कहलन कि से सुन, हम बतबै छी से ध्यान से सुनम। तो ठीक है, हमरा सुनाओ। कलखिन जे अपने के कर्जा है ना, कर्जा है, अगर महादेव अहाँ के दया न दै छन, गरीब हती, खाए के लिए अवस्था न है, तो हम बतबै छी से सुन लो। एगो नारियल ले आओ आ नारियल में महादेव के नमः शिवाय लिख दो, फूल चढ़ा दो। जहाँ हनुमान जी के मंदिर हैं तहाँ हुनका स्थान में चढ़ा दो आ हुनका से यही बात कहबै कि से हे बजरंगबली, हम ई नारियल हम अपने के स्थान में छोड़े छी, हमरा कर्ज से आई दुखी दुखी से हमरा उकरीन कर दू। तो कलखिन जे ई बात कहै छी तो ऊ चढ़ावे से हमरा थोड़ी ना दुखी दूर कर देथिन, तो अपने चढ़ा के देखू उनका स्थान में, हम कहै छी ऊ काम कर के देखू, देखियो जे महादेव में दया हन कि ना हन। शिष्या बहिन जे से एक शनिचर के दू शनिचर के चढ़ेलन, तो कहलन कि से अहे से गुरु बहना चढ़लिए तो हाँ चढ़ा तो दिलिए न, तो कहलखिन जे काम करू जे दू गो और नारियल ले आओ, पाँच शनिचर के पाँच गो नारियल अपने के हम कहै छी विधि से करे के होए, तो ओहिमे लिख देलन आ लिख के पान फूल चढ़ा देलन, चढ़ा कर आ नदी के ओर नारियल रख देलन। शिष्या बहिन आ शिष्य में सिखा दिलन बूढ़ी 120 बरस के रहथिन से सिखा दिलखिन, जो अपने के जे कष्ट है ना आ कर्जा गुआम है, चाहे महादेव दया मांगै छी लेकिन अपने के सुख शांति न होइया, तो हम जे तरह से बतबै छी से तरह से अपने करम। तो फिर नारियल में चीक उक दिलन, पूजा उजा कर लेलन आ नदी की ओर गंगा जी में जाकर जल में रख दिलन आ रख कर यह बात कहलन जे हम हे गंगा माई, हमरा सुख शांति न मिले या कर्ज से हम बहुत हम दुखी हती, हमरा ई कर्ज के दुख दूर कर दा आ दुखी हती से हमरा सुखी हमरा कर रहे महादेव। वो गंगा जी में छोड़ देलन, जहाँ तक वो नारियल गेल ना, जितने दूर वो नारियल गेलन उतने हुनका धीरे 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 महादेव के दया से हुनका सुखी और कर्ज चुके लगलन।
अलन घर कहलन जे हे गुरु बहना हमरा बात कहली तो हमरा महादेव की दया से ये बात तो हमरा ठीक है। हमरा धीरे धीरे जैसे महादेव से हमरा प्रेम जुटत है तेना बुझाइए। तो कहलखिन हम कहली ना अपने के जे महादेव के यहाँ प्रेम लगा के देखू, यहाँ विधि क के देखू, महादेव से दया मांग के देखू, कोनो जग जाप में कोनो कार्य में हड़बड़ाए के ना चाहिए। तो ये चलते महादेव से कह करके उनका दया मिले लगल। दया जब मिल गए ना तो एक गुरु बहना रहती हमारा जो अड़ोस पड़ोस के हथिन, इंदु गुरु बहना हथिन, महोखा गुरु बहना हथिन, तो हम चर्चा करते रहती आ गेलखिन आ सब शिष्या बहन के कहे लगलखिन जे हे गुरु बहना 180 बरस के बूढ़ी रहती ना तो ये बात हम हुनका सुनलिए तो हमरा ऐसे से बतलखिन हाँ जे महादेव के शरण में जाए से दया मांगा आ गंगा जी में नारियल के फल रख दी है ऐसे से तोरा महादेव दया दैत रहतथुन दुख दूर हो जाथुन। तो कहलखिन जे ठीक है तो हमहूँ कह के देखे सब गुरु बहना ऐसे से करे लगलन तो महादेव के दया से धीरे धीरे दया आवे लगलन, दुख दूर होए लगलन, कष्ट दूर होए लगलन, महादेव के दया बरसे लगलन। तो इतने कह के समाप्त है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हे गौरा लिखन दई आके रउआ सुनो ना, भोला के समझाओ ना हे, हे गौरा लिखन दई आके रउआ सुनो ना, भोला के समझाओ ना हे, हमेरा हरियर हरियर भार भोला दिहलन ओ जा रे, हमेरा हरियर हरियर भा भोला दिहलन ओ जा, हे गौरा ना पति अछिया के रउआ सुनो ना, भोला के समझाऊ ना हे, हे गौरा ना पति अछिया के रउआ सुनो ना, भोला के समझाऊ ना हे, हमरा हरियर हरियर धथुर भोला दिहलन ओ जा रे, हमरा हरियर हरियर धथुर भोला दिहलन ओ जा, हे गौरा ना पति अछिया के रउआ देखू ना, भोला के समझाओ ना हे, हे गौरा ना पति अछिया के रहा देखू ना, भोला के समझाओ ना हे, पहला सूत में दया मंगली हामा, दूसरा में चरिचा हामा, पहल सूत में दया मंगली दूसरा में चरिचा, हे गौरा तीसरा में नामा से बजपलीना, भोला के समझाऊ ना हे, हे गौरा तीसरा में ना अशिव पर नामना, भोला के समझाऊ ना हे, हे गौरा उल्लखन दई छिया के आहा सुनू ना, भोला के समझाऊ ना हे, हे गौरा ना पति अछिया के रउआ देखू ना, भोला के समझाऊ ना हे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।